दगड़ी ये अपनी शरारतों से सबको डराएंगे। इस टायर को भी यहीं पंचर होना था। टायर की जगह पे बैलगाड़ी का चक्का, इसकी तो स्टेपनी भी नहीं मिलेगी। एक्सक्यूज मी मैडम, आई मीन टू से भाई साहब, आपने साड़ी क्यों पहन रखी है? मेरी बहन भी पैंट पहनती है, मगर किसी ने उससे तो नहीं पूछा कि आप लड़की होकर पैंट क्यों पहनती हो। फिर सब मुझसे ही क्यों पूछते हैं कि आप आदमी होकर साड़ी क्यों पहनते हो? मेरी मर्जी। नहीं नहीं, आपके बाल भी इतने लंबे हैं ना, इसलिए। आप कभी हेयर कटिंग सैलून में गए हो? हाँ जी, हर महीने जाता हूँ जी। वहाँ किसी भूत को देखा है? नहीं। तो फिर भूत कभी अपने बाल कटवाता है क्या? अरे वही पापा ने कोई डरावना सपना देख लिया होगा, या फिर एक मेकअप वाली चुड़ैल पापा के सपने में आ गई होगी। खैर वो तो कॉमन बात है, पर पापा ग्रो अप, हम आपको कितनी बार समझाएं कि आप बच्चे नहीं हो, आप बड़े हो गए हो। इतनी बहादुर बेटी के इतने डरपोक पापा। बेटे कभी कभी हो जाता है ऐसे, इट्स ओके। कभी कभी नहीं, हमेशा। आज किसके बारे थी? पापा के साथ सोने की। गो चुकी, पर वो कहाँ है? और कहाँ होगा, अपने फेवरेट पिकनिक स्पॉट पर। गोचू कम आउट, 1 2 3। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। कम या। गुड मॉर्निंग के बच्चे, पापा की तो बैड मॉर्निंग कर दी ना तूने। कहाँ चला गया था इन्हें छोड़कर? देख कितने डर गए ये। तो मैं क्या करूँ? ये ऊ आ गई थी। तुझे ऊ और सुसु के अलावा और कुछ पता है? हाँ पता है। क्या? 7:30 हो गए और हम लोग रोज की तरह स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। ओह माय गॉड, 7:30, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सॉरी सॉरी सॉरी। No!
That's it. इतना मुश्किल हो गया है तुम्हारे बिना इस घर को संभालना शालिनी। जब तुम इस घर में थी तो कितना आसान था सब कुछ, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई बंधन नहीं। अब जब तुम हम सबको छोड़कर जा चुकी हो तो कितना मुश्किल हो गया है सब कुछ। ये तुम्हारे तीन शैतान जो सारा दिन घर में तूफान मचाकर रखते हैं, इनको संभालते संभालते खुद को पिता नहीं दादाजी की उम्र का समझने लगा। एक बात कहूं, मैं जानता हूं तुम हर पल इस घर पे नजर रखे हो, ठीक से संभाल तो रहा हूं ना अपने बच्चों को। आई मिस यू शालिनी, आई मिस यू अ लॉट। आई लव यू, आई लव यू। आज मुझे मैथ के पीरियड में सुसु करने गया था ना क्लास के बाहर, तब मैंने भैया को क्लास के बाहर मुर्गा बना हुआ देखा था। अरे यार तू बाहर क्यों आते है? Wow, Vishu, that's great. Congrats, huh? किसलिए? अरे तेरा प्रमोशन हो रहा है इसलिए। कल तक तो तुझे सिर्फ क्लास के बाहर करते थे, पर आज तुझे मुर्गा भी बना दिया। इसमें कॉन्ग्रेट की क्या बात है, मेरा बैड लक है कि मैं ऐसे स्कूल में हूँ जिसमें इंटेलिजेंट टीचर ही नहीं है। क्यों, क्या हुआ? हमारे सर ने पूछा कि प्लांट की सही ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी फैक्टर क्या है। आपने क्या कहा? मैंने कहा आसपास कोई शरारती बच्चा ना हो। सर ने कहा सनलाइट, मैंने कहा पड़ती रहे सनलाइट। लेकिन अगर आसपास कोई शरारती बच्चा होगा एक सेकंड में उखाड़ के फेंक देगा। बस निकाल दिया बाहर, कोई मेरी बात को समझता नहीं है। नहीं नहीं सर होंगे, वरना तुमसे आंसर पूछने की किसमें हिम्मत ही कहाँ, कोई इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। कुछ दिन पहले मेरे बड़े भाई साहब और भाभी का देहांत हो गया। Just fantastic. पापा यह देहांत क्या होता है? बड़े भाई साहब, भाभी, पापा, आपने हमें कभी बताया नहीं जानबूझकर, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बताता तो सवाल उठते और सवाल उठते तो जवाब तुम समझ नहीं पाते। बच्चों फिलहाल इतना समझ लो कि हम मुंबई जा रहे हैं बड़े भाई साहब और भाभी के दोनों बच्चों को यहां लाने के लिए। हमारे साथ एक तो कोचू का वैसे ही नंबर नहीं आता है, अब तो उसे बाथरूम खाली भी नहीं मिलेगा। देखो बच्चों, मैं जानता हूं जब वो हमारे साथ रहने आएंगे तो तुम्हें कुछ मुसीबतों का सामना करना होगा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मेरे भाई साहब ने कितनी मुसीबतों का सामना किया, मुझे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, और आज जब उनके बच्चों को मेरी जरूरत है तो मैं पीछे हट जाऊं? नहीं ना, देखो वो जो भी हैं जैसे भी हैं हमारा खून है, तुम्हारे भाई बहन है। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारे भाई बहन अनाथों की जिंदगी जिए? लेकिन पापा, मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? मैं कुछ गलत करूंगा? पर पापा हम तो नहीं जानते भी नहीं, आई मीन कैसे होंगे वो लोग? मेरे भैया और भाभी बहुत ही डिसिप्लिन पसंद इंसान थे, आई एम श्योर उनके बच्चे भी बहुत ही डिसिप्लिन होंगे, सीधे साधे होंगे।
eat the foods. Please khana kha lo. देखो किट्टू, it's the food. Don't eat my headache, okay? अरे मेरे भाई साहब को तो ऊंची आवाज तक पसंद नहीं थी. I'm sure वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता बोलने वाले होंगे. मैंने पूछा, तुमने सुना नहीं? कहाँ है मेरी लिपस्टिक? I'm sure वो बहुत ही संस्कार वाले होंगे. सुबह उठकर बड़ों के पैर छूना, उनका आशीर्वाद लेना, ये सब कुछ करते होंगे. घबराने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ. जी पापा. थैंक यू बच्चों. भाई साहब, कभी सोचा भी नहीं था कि टूटे हुए रिश्ते इस तरह से जुड़ेंगे. पापा, हम चलने के लिए तैयार हैं. Oh my God! कितना लगा? लगा था दो. Good. बहुत अच्छी तरह से लगाया था हम लोगों ने boxing punch. क्या मेरा दिमाग? हाँ, लेकिन वो था क्या? अरे कुछ नहीं बाबा, बस हमारे कमरे की सिक्योरिटी सिस्टम. अगर कोई चोर घुस गया तो ये उसे हैंडल कर लेगा. अरे इस घर के अंदर घुसने की हिम्मत किसकी है? जिसको इस दुनिया से बाहर जाना ना, वो इस घर के अंदर घुसेगा. ए मैगी, हमारा मजाक मत उड़ा. यार मैं पागल हो गया हूँ कि मैं आप लोगों का मजाक उड़ाऊंगा? मुझे इस दुनिया से ऊपर उठना है क्या? हम इतने भी बुरे नहीं है. हाँ, तुम लोग तो इतने बुरे नहीं हो, इसलिए है ना, हमारे एरिया की कीमत बिल्कुल घट गई है. कोई हमारे घर के अगल बगल में घर ही लेना नहीं चाहता. सचमुच यू नो, हमारी कॉलोनी की मदर्स अपने बच्चों को कहती है कि सो जा सन्स, सो जा डॉटर्स, सो जा हस्बैंड, वरना ये किट्टू और पिंकीज आ जाएंगे. हम जैसे ग्रेट लोग है ही कहाँ आजकल. इधर मिले ना, ऊपर मत मिलना. नहीं, माने गॉड्स को मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि मुझे कॉकरोचेस बना दे, मुझे लिजार्ड्स बना दे, लेकिन मुझे नया बर्थ दे के पृथ्वी लोक पे भेज दे. पिंकी, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं. नहीं, मैं बड़ा के नहीं बोल रहा हूँ. हाँ, लेकिन ये वो शर्मा अंकल है ना, अपने कॉलोनी वाले, उन्होंने प्रसाद चढ़ाया है आप लोगों के नाम का भगवान के पास. कहते थे कि किट्टू और पिंकी सुधर जाएंगे ना, तो मैं 1001 रुपीस का प्रसाद चढ़ाऊंगा. ओ, तो शर्मा जी बहुत परेशान है हमसे. मैगी, जरा हमको घर पर बुलाना. क्यों? हमें उन्हें बस सॉरी कहना है. हेलो किट्टू. हाँ, घड़ी की तरह क्या हंस रहे हो? जाओ उनको बुलाओ. आई एम नॉट डोंकीज. जाओ. जाता हूँ ना. जाओ. जाता हूँ ना. गोइंग्स ना. पोटली की जस्ट फैंटास्टिक. मेरे पास एक क्वेश्चन है. ये अचानक से पापा के भैया भाभी कहाँ से बीच में आ गए? और मैंने ये पापा से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो हमसे इतनी बड़ी बात छुपाएं. ओफो, दोनों काफी बड़े हो गए. अक्कल की सुई जीनो मार्क से आगे बढ़ती ही नहीं. पापा जब पहले से बताते हैं ना, तब हमें समझ में नहीं आता. क्यों समझ में नहीं आता? बच्चे नहीं है हम. क्यों विशु? मेरे पास एक क्वेश्चन है, पापा ने हमसे ये बात क्यों छुपाई? इसी टाइम पर पापा को तंग मत करना, चुपचाप पापा की बात सुनना. ऑफ कोर्स, अभी हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम पापा की बात चुपचाप मान लें. लेकिन तुम लोग ये भी तो सोचो, पापा ने जस्ट गेस किया कि वो बच्चे शरीफ होंगे. अगर वो बच्चे शरीफ नहीं हुए तो मना लेंगे ना. करेक्ट. डरने की क्या बात, जो विशु, चिंकी और गोजो के साथ रूबी डूबी. आइए शर्मा जी, आइए.
मैगिस, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि दोनों बच्चे मुझसे सॉरी। शर्मा जी, आई एम कमिंग। मैं जिंदा हूँ या गया? गया नहीं, आप इधर ही हैं। सॉरी अंकल, ये किट्टू है ना, वैसे भी बहुत ही बदमाश है। कहाँ लगा आपको? बहुत दुखता है। इधर भी दुखता है। इधर क्या मैगी सूप है, इधर दुखता है। डोंट वरी अंकल, मैं पेस्ट लेकर आती हूँ। लगाओ, किसने रोका है? लगाओ, मेरे फादर्स का क्या जाता है? ये कौन सी दवा है? स्पेशल है, गिली चिली। गिली चिली? गिली चिली, गिली। ये भी कोई दवा है? हाँ, इसको मेडिसिन बोलते हैं इनकी भाषा में। इसकी जलन हो रही है। जलेगा जलेगा, लो अलोए को काटेगा काटेगा, ऐसे ही दर्द दर्द को मिटाएगा। अच्छा, ये मिर्ची का लेप है, इससे आपके फेस और आंखों पर इतनी जलन होगी कि आप बाकी सारे दर्द भूल जाओगे। अब भगवान को नया प्रसाद देकर बोला कि मुझे थोड़ी सी अक्कल दे, और नेक्स्ट टाइम हमसे पंगा मत लेना। भाई साहब, ये बंगला नंबर 13 कहाँ आएगा? आपको बंगला नंबर 13 जाना है? हाँ जी। आप ऐसा कीजिए, पहले लेफ्ट जाइए, फिर राइट जाइए, फिर लेफ्ट जाइए, फिर राइट जाइए, फिर लेफ्ट जाइए, फिर राइट जाइए, फिर लेफ्ट जाइए, फिर राइट जाइए। भाई साहब, आप बंगले का पता बता रहे हैं या परेड करवा रहे हैं? जाइए। थैंक यू, चलो भाई। आपने उन्हें गलत पता क्यों बताया? गलत पता क्यों बताया? अरे जिन शैतानों की वजह से मुझे अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, उनके मेहमानों से बदला नहीं लूंगा क्या? हैं? देखना बेटा, अब कैसे परेड होती है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। ऐसे क्या देख रहा है, पागल समझता है क्या? चल चलो। अरे रोको भाई साहब, जरा पूछ लेते हैं जरा। भाई साहब जी, बंगला नंबर 13? बंगलो नंबर 13, मल्होत्रास का बंगलो? हाँ, वही जिनके बच्चों के नाम रावण और सूर्पनखा हैं। भाई साहब ने ऐसे नाम तो नहीं रखे होंगे? जी रखे तो नहीं थे, जैसे बच्चों के प्यार के नाम होते हैं वैसे इनके नफरत के नाम हैं। भाई साहब आप बोर हो गए, लाइफ में हंगामा चाहते हैं ना? मैं कुछ समझा नहीं। आगे से लेफ्ट, तीसरा घर, जाओ मजे लो। मैंने तो वार्निंग दे दी, मेरा क्या जाता है। वार्निंग? मुझे कोई गड़बड़ लग रही है, जरा सा वार्म अप कर लूं। जिनकी कुछ लोग होते हैं जिन्हें बच्चे पसंद नहीं होते, चिढ़ते हैं बच्चों से। आई एम श्योर भाई साहब के बच्चे ऐसे नहीं होंगे। चलो चलो चलो। हाँ चलो। ए बच्चे लोग, यही है घर। घर तो बहुत मस्त है। पापा, इतने बड़े घर में तो 3-4 बाथरूम होंगे। पापा, हम लोग यहाँ कितने दिन रहेंगे? एक या दो दिन बस। वाव। पापा एक सेकंड, हम लोग अंदर जाने से पहले एक बार पार्लर चले। चिंकी कम ऑन। आई नो पापा, आप कह रहे कि मुझे मेकअप की जरूरत ही नहीं, मैं ऐसी ब्यूटीफुल हूँ।
लेकिन अगर इस घर के अंदर कोई मिस वर्ल्ड वालों को जानने वाला रहा तो कितना अच्छा होगा ना। और फर्स्ट इम्प्रेशन ही तो लास्ट इम्प्रेशन होता है। तू पीछे रह, फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है। उन लोगों ने तुझे पहले देख लिया ना तो हमारी फैमिली पे कितना बुरा इम्प्रेशन पड़ेगा। चलो, अरे वाह, ऑटोमेटिक डोर।